फ्रेंड्स, तो आज हम बैठे हैं महिंद्रा TUV 300 के अंदर और ये T10 मॉडल है, अपने टाइम का टॉप मॉडल है। इसके अंदर हमको टच स्क्रीन तो मिल जाती है लेकिन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ इस तरीके का ये बूट होता है। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं कि अगर हम हमारे इस डिवाइस को इसके अंदर लगाते हैं तो क्या होता है। तो ऑलरेडी आप इसका वीडियो देख चुके होंगे हमारे चैनल के ऊपर, इसका मैंने नेक्सॉन के अंदर दिखाया था जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले था, तो इसने उसको वायरलेस बना दिया था। लेकिन अभी इसके अंदर है ही नहीं तो क्या करता है ये चेक करते हैं। इसके अंदर हमको प्रॉपर स्क्रीन दी हुई है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पहले सेटिंग्स वगैरह क्या क्या दी हुई हैं। तो ये सिमिलर सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है थार जैसा ही है, बस थार के अंदर जो नई वाली थार आती है उसके अंदर हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के भी, तो यहाँ पे स्लाइड करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, इसके अंदर सिर्फ यही दिए हुए थे। नेविगेशन भी इसमें पहले से आता है ऑलरेडी, जो इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स है, इसका अपडेट वगैरह कुछ नहीं होता मोबाइल अपने फ़ोन वगैरह से। इसको अपडेट करवाने के लिए भी सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, तो वो चीज़ हम करवाते भी नहीं वैसे। ये मीडिया ऑप्शन अपने ब्लूटूथ के लिए दिया हुआ है, तो नॉर्मल बेसिक ब्लूटूथ काम करता है, रेडियो काम करता है और कॉलिंग वगैरह जो ब्लूटूथ नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं। तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता। तो यहाँ पे हमको पोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर, तो लगाने के बाद अभी तक तो लाइट इसमें जल जानी चाहिए थी लेकिन लाइट भी नहीं जली है। चलो अब जल गई है। साथ ही में दोनों चीज़ देख लो, इसमें रीडिंग आईपॉड लिखा है, लेट्स सी आगे क्या दिखता है। ये ग्रीन हो जाना चाहिए वैसे, लेकिन ना तो ये ग्रीन हुआ और ना इसके आगे कुछ आया, ना मीडिया वगैरह कुछ ओपन हुआ है अभी तक, वही सिमिलर चीज़ें ही चल रही हैं। तो इसका मतलब कि सिर्फ जो वैसे टेस्ट था, बाकी तो आइडिया था मुझे कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, बट स्टिल मन में डाउट था तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दें इसके ऊपर। तो बेसिकली सिर्फ वायरलेस बनाता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को, उसके अलावा इसका कोई वर्क नहीं होता। तो हमारी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी जो है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का कोई भी फंक्शनलिटी हमारी गाड़ी के अंदर है ही नहीं, तो ये काम भी नहीं करेगा। अदरवाइज अगर इसमें होता वायर्ड वाला तो ये वायरलेस की तरह काम कर जाता। तो सही था वीडियो, बस एक छोटी सी टेस्टिंग थी, इसमें फेल हो गए हम, तो कोई बात नहीं। अगर इसमें चलाना है तो कुछ और ही तरीका देखना पड़ेगा। इसके अंदर चलाने का भी एक तरीका होता है, अगर इसके अंदर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले चलाना हो तो उसका वीडियो मैं भी सेपरेटली बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके वो आप मुझे बता देना। और तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।